हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी। और साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने साबूदाने को रात भर पानी में गला के रख दिया है। देखिए कितना अच्छा अच्छा मोटा और खिल गया है। तो साबूदाने को गलाने के लिए पहले आप दो तीन बार साबूदाने को धो लीजिए, और जितना साबूदाना होता है उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर ही पानी भरिए, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो साबूदाना बहुत सॉगी हो जाएगा। देखिए कितना खिला खिला बना है। चलिए अब साबूदाने की तैयारी करते हैं। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि साबूदाने की खिचड़ी बनाई किस में जाए। कोशिश करें साबूदाने की खिचड़ी आप घी में बनाएं, क्योंकि इसका स्वाद घी के साथ बहुत अच्छा आता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर के पास घी नहीं है तो आप साबूदाने की खिचड़ी नहीं बना सकते। आप उसको तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं, बट घी के साथ साबूदाने की खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, डाल देंगे जीरा, और जीरे को 2 मिनट पकने दें। जीरा भून चुका है, उसने क्रैक होना शुरू कर दिया है। तो जीरे के क्रैक होने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे अपनी सारी सब्जियां। तो हम साबूदाने की खिचड़ी में ये सारी सब्जियां डालने वाले हैं। ये रेड पेपर, येलो पेपर, अनियन, यह टमाटर, पनीर और हरी मिर्च, और हरा धनिया हमने गार्निश के लिए काट के अलग रखा हुआ है। तो इन सारी सब्जी को एक साथ घी में पकाएंगे। पनीर हम अभी नहीं डालेंगे सब्जियों के साथ, जब सब्जियां पक जाएंगी उसके बाद हम पनीर इसमें डालेंगे। घी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इन सब्जियों हम अपने मसाले डाल देंगे। मसाले में मैंने लिया है हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ी सी सौंफ, काली मिर्च का पाउडर, हींग और सफ़ेद नमक। आप इसी तरह से साबूदाने की खिचड़ी व्रत में भी बना सकते हैं। उसके लिए आप प्याज और ये मसालों का प्रयोग ना करें, आप सब्जियां डाल के साबूदाने की खिचड़ी व्रत में भी बना सकते हैं। और साबूदाने की खिचड़ी आपके पेट के लिए बहुत हेल्दी होती है और बहुत स्वादिष्ट भी बनती है। अब इन सारी सब्जियों को हम 5 मिनट तक पकने दें। अब सब्जियां जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। अब इन सब्जियों में डालेंगे हम पनीर, और इसको 10 से 15 सेकंड चलाएंगे। पनीर को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे हम अपना रात भर गला हुआ साबूदाना। तो कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा रंग आया साबूदाने की खिचड़ी का। जब साबूदाना सब्जियों के साथ अच्छे से मिल जाएगा तो उसे 3 से 4 मिनट ढक के पकने के लिए छोड़ दें, ताकि साबूदाना सॉफ्ट हो जाए। एक बार साबूदाने को हम चेक कर लेते हैं, साबूदाना ढंग से पक गया है या नहीं। इसको चेक करने का एक तरीका है, ये धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट जैसा होने लगता है। ये देखिए, जैसे ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगे इसका मतलब है ये पक गया है। तो हम इसको 1 मिनट और पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि कुछ साबूदाने भी वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं। अब हमारी साबूदाने की जो खिचड़ी है ये पूरी तरह बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू, नींबू को मिलाएंगे।
तो हमारी साबूदाने की खिचड़ी सर्व होने के लिए तैयार है। साबूदाने खिचड़ी की सर्विंग के लिए हम पहले डालेंगे दही प्लेट में। दही के साथ साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। दही के साथ डालेंगे हम थोड़ी सी हरी चटनी। हरी चटनी डालने के बाद थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफलियां क्रश करके, और साबूदाने की खिचड़ी प्लेटिंग। ऊपर से डालेंगे मूंगफली का चूरा और हरा धनिया। आपकी साबूदाना खिचड़ी तैयार है।